जब तेरे बाल स्याह हो जाएं तो जान लो कि तेरी नेकियां मर गई है, यानी तेरी मौत करीब आ गई है। जब तू देखे कि खुदा तुझ पर मुसलसल बलाए नाजिल कर रहा है तो समझ लो कि तुझे ख्वाब गफलत से तंबीह की जा रही है। जब बंदा खुदा को दोस्त रखता है तो इबरतों से नसीहत हासिल करता है। दुनिया अपने चाहने वालों से कभी वफा नहीं करती है। बस दुनिया से मुंह फेर ले, कब्र इसके के दुनिया तुझसे मुंह फेर ले। तहकीक के तू आखरत के लिए पैदा किया गया है, बस उसी के लिए अमल कर। तेरे माल में तेरा हिस्सा वही है जो तेरे आखिरत का सौदा बनकर तुझसे पहले रवाना हो जाए, ना कि वो जो तेरे बाद यहीं रह जाए। बस ये तेरे वरसा का हिस्सा होगा। तीन चीज़ें बदतरीन बलाओं में से हैं, कसरत आयाल, कर्ज की ज्यादती और अमराज की दाई। तीन चीज़ें ईमान के खजाने में से हैं, मुसीबत को पोशीदा रखना, सदका करना और बीमारी को बर्दाश्त करना। शुक्र की ज्यादती और सुला रहमी नियमतों को ज़्यादा करती हैं और मौत को ताखीर में डालती हैं। सुला रहमी मौत को दूर करती हैं और माल को ज़्यादा करती हैं। दो आदमियों के दरमियान सुलह करा देना, एक साल की नमाज और रोज़ा से अफजल हैं। अपनी ज़बान को खुश सखनी और सलाम करने का आदि बना, ताकि तेरे दोस्त ज़्यादा हों और दुश्मन कम हों। ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना नफ्स को बिगाड़ता है और नुकसान करता है। खामोशी की ज़्यादती वक़ार यानी इज्जत को बढ़ाती है। हर फर्जंद क़यामत के रोज़ अपनी माँ से मुलहक होगा। हर चीज़ की एक ज़कात होती है और अक़ल की ज़कात यह है कि जाहिलों की जहालत को बर्दाश्त किया जाए। जो मौत का जिक्र करता रहेगा वो दुनिया से कम पर रजामंद हो जाएगा। जिसका नफ्स शरीफ होगा उसमें मेहर व मोहब्बत होगी। अजीज व अक़ारिब की अदावत बिच्छू के काटने से ज्यादा सख्त हैं। इल्म से बढ़कर कोई खजाना नहीं और इल्म से बढ़कर कोई इज्जत नहीं। कोई अदावत गुस्से से बढ़कर तकलीफ दे नहीं। अकल से बढ़कर हसीन कोई जमान नहीं। जहल से बढ़कर कोई खराब हम नशी नहीं। झूठ से बढ़कर कोई बुराई नहीं। कम गोई से बढ़कर कोई हिफाजत करने वाला नहीं। जो अपनी इज्जत व कदर को जानता है वह हलाक नहीं होता है। जिसने दुनिया पर एतमाद किया वो गिर पड़ा। हर नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करो, ताकि वो तुम्हें बड़ी नेमतें अता करें। हर जगह खुदा को याद करता रहो, वो तुम्हारे साथ है। औरत का जिहाद ये है कि वो शोहर की अच्छी तरह खिदमत करे। बात बात पर गुस्सा में आने वाले मत बनो। गुनाहों से बचो कि बंदा गुनाह करता है तो उसकी रोजी कम हो जाती है। सबसे पहला शख्स जिसने दीन में कयास किया वो इबलीस लईन था।
जहां तक हो सके नेकी करो, नेकियां गुनाहों को साफ कर देती हैं।